व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम टिक्का मैक्रोनी बना रहे हैं, और जिसके लिए मैंने यहाँ पे चिकन लिया है, तकरीबन 500 ग्राम है ये मेरे पास चिकन है, और क्यूब की शेप में है। और इसमें जो चीज़ ऐड होगी वो कुछ ऐसी हैं, ये हम इसमें जो चीज़ें ऐड करेंगे वो कुछ ऐसी हैं। ये मेरे पास 1 टेबल स्पून चॉप की और लहसुन अदरक है, ये ऐड करेंगे। और इसके साथ ये लेमन हम ऐड करेंगे, ये नींबू का रस है, और ये 2 टेबलस्पून जा रहे हैं। और साथ में ये मेरे पास 1 बाउल भर के दही है, हम ये ऐड करेंगे। फिर मैंने हाफ डाला है, मेरीनेट कर रही हूँ मैं, साथ साथ डालती रहूँगी। और ये 1 साशे ये टिक्का मैक्रोनी का है, ये ऐड करेंगे और इसको मेरीनेट करने के लिए रख देंगे। इस पर तो 10 मिनट बोला है, हम तकरीबन 15 मिनट के लिए मेरीनेट करेंगे। ये हमने पूरा साशे ऐड कर दिया और इसको अच्छी तरीके से मेरीनेट कर देंगे। बाकी का भी दही हमने ऐड कर दिया, दही हमने 1 कप इसमें ऐड किया है। ये देखिए हम 10 मिनट के लिए इसे कवर करते हैं। देखिए व्यूवर्स, यहाँ हम मैक्रोनी बॉईल कर रहे हैं, और इसमें मैंने 1 टेबल स्पून ऑयल डाला है और 1 टेबल स्पून नमक। देखिए गाइस, यह मैंने एक पैन लिया था और उसमें 2 टेबल स्पून ऑयल डाला, और साथ में मैंने 1 दरमियानी साइज की प्याज डाली है, और इसको लाइट से ब्राउन करेंगे। इसके बाद फिर हम इसमें 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, इसमें मैंने लहसुन अदरक का 1 टेबल स्पून पेस्ट नहीं है, मैंने चॉप की है, मैंने ऐड किया अभी। तकरीबन मैंने 2 टेबल स्पून समझो, 1 टेबल स्पून मैंने अदरक लहसुन लिया था, और पहले मैंने ऐड की थी जब मैंने चिकन मेरीनेट किया था, और 1 कप। ये देखिए, यहाँ हमने चिकन को कवर किया और इसको हम अब ऐड करेंगे। ये मैं इसको हटा रही हूँ, ये देखें, ये देखें गाइस, अब इसमें हम ऐड करेंगे मेरीनेट किया चिकन। यहाँ पे 4 मिनट हो गए और हम इसमें पानी ऐड करेंगे 1 कप। इसमें हमने 1 कप पानी ऐड किया, और फिर इसको हम 7-8 मिनट तक पकाएंगे। थोड़ी देर के लिए हम कवर करते हैं इसे। ये देखें गाइस, हमारे चिकन तकरीबन पक चुके हैं, और इसमें हम कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। ये देखें गाइस, अब इसमें हम 2 टेबलस्पून क्रीम ऐड करेंगे। देखें, ये मैंने एक गिलास में तकरीबन 1/2 गिलास पानी लिया, और इसमें 1.5 टेबलस्पून मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर लिया था जो मैंने मिक्स कर दिया है। इसमें ऐड कर रही हूँ मैं, ग्रेवी अच्छी सी बन जाएगी। ये देखिए, और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। ये देखिए, ये देखिए गाइस, यहाँ मैंने मैक्रोनी ऐड कर दी, और यहाँ पे मैंने कोयला रखा हुआ है। ये देखिए, अभी हम स्मोक करेंगे इसमें। देखिए गाइस, यहाँ मैंने कोयला रख दिया है, और इसको मैं थोड़ा सा ऑयल डालूँगी इसके ऊपर, और ऊपर से कवर कर दूँगी। ये मैंने कवर कर दिया। ये देखें गाइस, ये अंदर बहुत सारा देखें धुआं है, यहाँ से मैं कवर करती हूँ ताकि ये ना निकले, ताकि ज़बरदस्त सी हमारी टिक्का मैक्रोनी रेडी हो जाए। बहुत ज़बरदस्त लग रही है ये देखें गाइस, हमारे 1 मिनट हो गए और हमारी ज़बरदस्त सी मैक्रोनी रेडी हो गई है। डिश आउट करते हैं। ये देखें गाइस, हमारी मज़ेदार सी टिक्का मैक्रोनी रेडी हो चुकी है, और इसको मैंने केचप और मायो से गार्निशिंग की है। बहुत ज़बरदस्त लग रही है, बहुत मज़े की लग रही है। और अगर आपको हमारी आज की ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।